Good morning everybody. Now welcome to Standard 8 Subject SS Lesson 1 Revision. Arrival to Europeans in India Part 2. इसके पहले हम आपको क्या करवा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ टेस्ट बुक की. टेस्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बड़े बड़े छोटे छोटे सब मिलाकर के मिक्स करके हम उसको करवा रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमने हेडिंग डाला हुआ है. इससे पहले हम आपको 3 क्वेश्चंस आपके टेस्ट बुक के लिखवा दिए. लास्ट क्वेश्चन ये चल रहा है, फिर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम करवा देंगे. तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा था और टाइम अप हो रहा था, इसलिए मैंने आधा ही लिखा. आप भी हम इस वीडियो में कंटिन्यू इस क्वेश्चन के आंसर्स को कर लेंगे. क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड बैटल ऑफ बक्सर, क्यों बक्सर का युद्ध हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ. ठीक है, बक्सर जो है ना, यहाँ पे मीर कासिम का नाम आया है. तो जो मेरा नेटिव प्लेस है जहाँ मैं बॉर्न हुई हूँ वो बिहार का मुंगेर जिला है. बिहार में मुंगेर जिला में हम बॉर्न हुए, मैं बॉर्न हुई हूँ वहाँ पर. उसके बाद हम लोग यूपी आ गए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में. वहाँ हमारा पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारा वहाँ पे हुआ. लेकिन हम लोग जिस तरह से एक मूल रूप होता है, मूल रूप से मैं बिहार से हूँ. लेकिन ये मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे जो मीर कासिम का नाम आया, ये मीर कासिम का मकबरा, मीर कासिम का मकबरा ये मुंगेर जिला में जो गंगा घाट है, गंगा नदी है, एक कस्टनी घाट है, उसके किनारे ये मीर कासिम का मकबरा. वहाँ पे हम लोग गए भी हैं. और ये मीर कासिम का मकबरा मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत जो है सुरंग टाइप का है, बहुत बड़ा गेट है, उसके अंदर जाने पर वो मीर कासिम का मकबरा है. तो हम लोग स्टार्टिंग में गए हुए, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम वहाँ पे गए हुए. लेकिन अभी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉक लगा दिया है और जाली है, दिखाई देता है लेकिन इतना अंधेरा और इतना डरावना नहीं लगता है कि हम वहाँ पे जाने की हमें अपनी हिम्मत नहीं होती है. वहाँ पे ये मुंगेर जो है ना, मुंगेर एक मुंगेर का जो फोर्ट है, फोर्ट मुंगेर का किला है ना, वो सब ये सब अंग्रेजों के समय में का ही बनाया हुआ है, ये ब्रिटिशर ही बनाए हैं और ब्रिटिशर ने ही वहाँ पे कब्जा भी किया था. तो ये बंगाल, मीर कासिम बंगाल का नवाब है, तो ये बंगाल का नवाब है, इसलिए मुंगेर मतलब बिहार से बंगाल सटा हुआ है. ज़्यादा 8 आवर्स का क्या कहते हैं रास्ता है, 8 आवर्स में बंगाल से बिहार आ सकता है इंसान. तो यहाँ पे मीर कासिम का मकबरा मुंगेर जिला में है, बिहार के पास. और ये बक्सर जो है ना, बक्सर ये भी बिहार का ही पोर्शन है, बक्सर. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्रिटिशर डिसमिस मीर जाफर, ब्रिटिशर ने मीर जाफर को डिसमिस कर दिया और उसके प्लेस पर रिप्लेस हिम बाय मेकिंग हिज सन इन लॉ, उसके पोते को मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल. आफ्टर बिकमिंग नवाब मीर कासिम स्टार्टेड ट्रैवलिंग द ब्रिटिशर. स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उनके आगे ब्रिटिशर के आगे डोरा अटकाना शुरू कर दिया उनके कामों में. तो ब्रिटिशर डिसाइडेड टू डिसमिस हिम टू, और ब्रिटिशर ने डिसाइड किया इसको भी हम डिसमिस कर देंगे, इसको भी हम निकाल देंगे. और बैटल अगेंस्ट ये हम ब्रैकेट में दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में ही है अगेंस्ट मीर कासिम प्रिपेयर हो रहा था एक यूनियन आर्मी बाय मेकिंग है ऑफ द आर्मी
army of Nawab Ayodhya के नवाब से उन्होंने हेल्प ली एंड मुगल एम्पायर शाह आलम देखा क्या हुआ आपको ये पता तो चली गया ब्रिटिशर डिसमिस करके मीर जाफर को डिसमिस किया और उसकी जगह पर उसके सन इन लॉ
मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया, लेकिन जो मीर कासिम है उसके रास्ते का घोड़ा बना, ट्रबल करने लगा उसको, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, तो इसकी वजह से दोनों में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, सॉरी बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और उसमें उनको पता था कि सो ब्रिटिशर डिसमिस कर देंगे उसको भी डिसमिस कर देंगे, तो उसने जो है बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर के बैटल के अगेंस्ट भी उन्होंने भी कासिम प्रिपेयर्ड अ यूनियन आर्मी, तो थ्रू मेकिंग हेल्प ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब अयोध्या एंड द मुगल शाह आलम, लेकिन फिर भी वो पराजित हुए। इन द ईयर 1764 एडी देयर वाज अ बैटल बिटवीन इंडियन आर्मी और मीर कासिम एंड ब्रिटिशर इन द स्ट्रीट ऑफ बक्सर। इन द बैटल ब्रिटिश वो जीत हासिल कर दिया उस पर। आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल इस एंड के बैटल के एंड में उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को वापस डिसमिस करके वापस मीर जाफर को अगेन जय नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि वाई डिड बैटल ऑफ बक्सर। अब नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन है, हाउ गुड उथमल खान फोर नंबर
सबसे क्रूर राजा औरंगजेब था, मुगल एम्पायर औरंगजेब सबसे क्रूर राजा था, उसी ने परमिशन दिया था टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए। Which was only for the company.